हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, आज का रूटीन जो है हमने शुरू किया है घर की क्लीनिंग से, और हम आए हैं नीचे आज साफ सफाई करने के लिए, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा धूल हो चुकी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ही पहले कि हमारे यहाँ राशन भी बढ़ता है, तो आज वहीं पर हम सफाई करने के लिए आए हैं नीचे। क्यों पूरे घर की तो हम एक साथ नहीं कर पाते। आप लोगों की कमेंट आई थी कि पूरे घर की क्लीनिंग की वीडियो बनाए, तो पूरे घर की तो हम एक साथ नहीं बना सकते अभी, क्योंकि और भी काम बहुत सारे रहते हैं और 3 मंजिल हमारा मकान है, तो पूरे घर की तो सफाई एक साथ नहीं हो पाती, तो थोड़ा थोड़ा करके ही करते हैं। तो आज हम आए हैं सबसे नीचे वाले में सफाई करने के लिए, और धूल भी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा धूल जमी हुई है। ये सोफा है, और ये देखिए हाथ पर लेकर दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा धूल जम चुकी है, क्योंकि इस ये लॉकडाउन चल रहा था, तो उस दौरान 3 महीने तक राशन सरकार ने जो है फ्री बांटने की घोषणा की थी, तो पूरा का पूरा महीना जो है राशन बढ़ता रहता है, तो इसलिए सफाई करने का यहाँ पर मौका ही नहीं मिला, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, पूरा दिन बढ़ता है। तो इसलिए आज आए हैं हम यहाँ पर सफाई करने के लिए, और ये देखिए पूरे घर में बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। ये देखिए सोफे के कवर भी कैसे पड़े हुए हैं, और ये टीवी का कवर है इधर, ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, और अलमारी में भी इधर देखिए कितनी धूल जम रही है। ये बहुत ज़्यादा धूल हो रखती है सारे में, तो सामान भी जो है वो सारा उथल पुथल हुआ पड़ा है। देखिए आप लोगों को दिखाई रही हूँ कि कैसे बिखरा पड़ा है पूरा कमरा, और बाकी बाहर भी अभी दिखाती हूँ आपको। तो कुछ राशन तो बढ़ चुका है और थोड़ा अभी भी बाकी है, तो आज पापा को कुछ बाहर काम था तो वहीं पर गए हैं, और हम नीचे आ गए हैं मौका पाते ही। तो आज हम आपको यहाँ की क्लीनिंग की वीडियो बनाकर दिखाएंगे। तो ये देखिए इधर ये राशन अभी बचा हुआ है, चावल नहीं कट्टों में ये बच रहा है, बाकी और सब तो बच चुका है, यहाँ पूरे बरामदे में भरा हुआ था। तो देखिए सफाई भी हमने शुरू कर दी है, और इधर ये देखिए अकेली बहनों में बबली दीदी भी साथ में आई है, ये देखिए सफाई कर रही है। ये है ऊपर जाल, और यहीं पर ये जाल उतार रही है, ये देखिए मिलिए इनसे। हेलो जी, राम राम, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। देखिए हम सफाई कैसे करते हैं, ये और है ये देखिए लकड़ी, तूड़ी की लकड़ी से करते हैं सफाई। ये है सरसों का पौधा, जाला तानने का। ये सरसों का पौधा है, और इससे सरसों निकाल ली है पीट कर, इसे छेद कर, और इसको बोलते हैं तूड़ी। तो इसी से यहाँ पर ये जाले उतार रहे हैं हम, इससे जो है अच्छे से उतर जाते हैं, और वो जो ब्रश होता है ना जाले उतारने का, तो वो यहाँ पर हमारे काम में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, बड़े बड़े जाले लग जाते हैं, जैसे कि आपको दिखाया है मैंने, राशन का काम है और चूहे भी बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं, तो हम इसी से करते हैं। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, अब लग जाते हैं सफाई में। और ये पड़ी थी अंदर कमरे में खाट, इसको अभी यहाँ पर रखेंगे, इसके बाद यहाँ पर रखने के बाद इसको अंदर की सफाई करेंगे पहले। ये देखिए पूरा का पूरा कमरा कैसे बिखरा हुआ पड़ा है, धूल इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए धूल सोफे के ऊपर कितने ज्यादा, और ये जा रहा है मिक्की ट्यूशन में पढ़ने के लिए। पापा आ जाओ। मिक्की कहाँ जा रहा? मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और 11 बजे आ जाऊंगा। अच्छे से पढ़ना। हाँ, अच्छे से पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में हो आप? मैं क्लास में आया था, अभी लॉकडाउन चल रहा है इसलिए ट्यूशन में ही पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, जाओ, बाय बाय। जाओ पापा। ये है तिरपाल, ये कोल्लू में काम आता है गुड़ पे ढकने के लिए, जैसे बारिश आ जाती है ना अचानक, तो ये उसी पे ढका जाता है।
से पहले मैं अलमारी झाड़ देते। ये देखो कैसा दिख रही कैमरे में भी, कैमरे में भी कैसा दिख रही दूर। चलिए तब थोड़ा सा काम कर लेते हैं। अब खोल दो हम, ये है खिड़की को, अब आ जाएगी रोशनी अंदर कमरे में। ये धूल बाहर निकलती रहेगी इससे। गद्दियों को झाड़ते हुए आपको बबली जी नजर आ रही हैं इस वीडियो में। तो हमारी हेल्प के लिए अभी यहाँ पर कोई नहीं है, तो एक को कैमरा पकड़ना पड़ रहा है और एक को सफाई करनी है। अभी थोड़ी देर में जब कोई आ जाएगा तब दोनों मिलकर करेंगे। बहुत मिट्टी निकले इस कमरे में, क्या सीमेंट निकले हो? लाओ लड़के से होगा यो। हाँ नहीं चल तो
लड़के से मिंडक सा कौन सा ये नीचे खड़ा कर ले ऐसे आप झाड़ ले देख उनका थैंक्स किस तरह हिला दिया बंदर ने दे भाई ने करा किस धूम में डाल ले क्या ने धूम में डाल ले सुती है चद्दर तो यहाँ चिपक जाती होगी बिछा दी चादर मीनाक्षी अच्छी लग रही ये मीनाक्षी का कमरा मीनाक्षी ने साफ कर दिया बस इसमें झाड़ू रह रही है ये झाड़ू लगाएगी देखिए कितनी गंदी गंदा हो रहा कमरे में चप्पल भी पड़ी मीनाक्षी ने अपने कमरे की साफ सफाई कर दी अब देखिए ये झाड़ू लगा रही है कमरा कंप्लीट हो चुका है देख कितना सुंदर लग रहा है ये बेड ये अलमारी अच्छे से लगा दी ये एसी है चलो कमरा बिल्कुल साफ हो चुका है देखिए मैंने सब जगह से साफ सफाई कर दी है और सामान भी अपनी अपनी जगह पे लगा दिया है ये भी शीशा भी साफ कर दिया और बेड भी साफ कर दिया ये देखिए मिष्टी अपने टेडी बियर से खेलती हुई इसको ये टेडी बियर बहुत अच्छा लगता है इससे खेलना ये बेड पूरा साफ हो गया है देखिए चादर मैंने बिछा दी आपको कैसी लगी ये जरूर हमें कमेंट में लिख के बताना ये कूलर भी मैंने साफ कर दिया।